रणजी ट्रॉफी करीब 2 साल के बाद दोबारा शुरू हुई। इस दौरान कई खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। ऐसे ही एक रिकॉर्ड बिहार के 22 वर्षीय बल्लेबाज सकिबुल कनी ने अपने नाम किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको चाहिए क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज अपडेट्स और एनालिसिस तो हमारे वीडियो को जरूर चेक करना, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना। सकिबुल कनी ने अपने पहले ही मैच में 13 शतक जड़ दिया। गनी ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। इसके अलावा सकिबुल गनी ने रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करते हुए सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। गनी ने मिजोरम के खिलाफ कोलकाता में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी के मुकाबले में अपनी ट्रिपल सेंचुरी 387 गेंदों पर 50 चौके लगा के पूरी की। इससे पहले ये रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के बल्लेबाज अजय रोहेरा के नाम था। उन्होंने 2018-19 के रणजी सीजन में हैदराबाद के खिलाफ 267 रन बनाए थे। हालांकि बिहार के साकिबुल ने तो सीधे 13 शतक लगा दिया। वह 405 गेंदों पर 341 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इस युवा बल्लेबाज की शानदार पारी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय।